आपके पास एंड्रॉइड या आईफोन डिवाइस है तो आप प्ले स्टोर से बीजीएमआई गेम को डाउनलोड कर सकते हो। पर ध्यान रहे, आपके एंड्रॉइड का वर्जन 5.0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये गेम आपके डिवाइस में चलेगी। मतलब आपको जैसे आप बीजीएमआई गेम को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। बीजीएमआई गेम की दो लोबी होती है, लोबी में आपका रैंक शो होता है और गेम सीधे स्टार्ट हो जाती है। मोड को सिलेक्ट करना है तो ऊपर हेलमेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये स्लाइड करके आपकी लोबी चेंज हो जाएगी। आपको क्लासिक खेलनी है, रैंक खेलनी है, कौन सा मैप सिलेक्ट करना है, इस लोबी में आप सिलेक्ट कर सकते हो। समझ गया। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लोबी में क्या क्या है। लेफ्ट साइड में टॉप पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नाम और आपकी प्रोफाइल शो होती है, जिसमें कुछ सेटिंग्स है जहाँ से आप बैनर अवतार वगैरह चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन डाउनलोड रिसोर्स का है, जहाँ से आप मैप्स ऑडियो वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। नीचे थोड़ा आगे तो कनेक्शन का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हो फिर सिनर्जी पे क्लिक करते हो तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो फ्रेंड्स हैं उनमें कौन लवर है, बीएफएफ है, आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन म्यूजिक का है, जहाँ से आप म्यूजिक को भी चेंज कर सकते हो। लेफ्ट में बॉटम में आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, जो भी सिलेक्ट मूड होगा वो गेम स्टार्ट हो जाएगी। राइट साइड में आपको ऐसे पेंसिल जैसा ऑप्शन मिलेगा, जिस पर यदि आप क्लिक करते हो तो आपको आपके प्रोफाइल के बिन्स, फिनिशेस, बिन रेशो, एक्यूरेंसी सब कुछ दिखेगा। जो भी तीन चीजें आपको शो करवानी है वो आप यहाँ प्रोफाइल पे शो करवा सकते हो। जिस लोबी में आप खड़े उससे पीछे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यदि आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास जो भी गाड़ियां होगी आपको शो होंगी। यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे आप बोट, मोटरसाइकिल वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बात करते हैं राइट साइड बॉटम की। फर्स्ट ऑप्शन आपको ऐसे बैग जैसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे आप 4-5 तरीके से ड्रेसेस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी ड्रेस एकदम से चेंज हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे आंख जैसी बनी हुई है, जो भी प्लेयर आपके प्रोफाइल को देखेगा, सर्च मारेगा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इस ऑप्शन का नाम रीसेंट विजिटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कैमरा का है, जहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में जिस भी प्लेयर के साथ आप गेम खेलते हो वो आपको शो यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड लोबी की, मेन लोबी भी कहा जाता है। लेफ्ट साइड में प्रोफाइल के नीचे आपको कुछ ऐसा आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट वगैरह भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो। दूसरे नंबर पे घड़ी वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आपको पता लगेगा आपका फ्रेंड कब ऑनलाइन। थर्ड ऑप्शन क्लेन का है, जैसे फ्री फायर गेम में गिल्ड होती है वैसे बीजीएमआई गेम में क्लेन होता है, पर आपको क्लेन के मेंबर्स दिखेंगे। फोर्थ ऑप्शन रीजन का है, आप सेट कर सकते हो आप कौन सी कंट्री से हो, कौन से स्टेट से हो। एक बार लोकेशन यदि आप यहाँ पे सेट करोगे तो एक मंथ बाद दोबारा लोकेशन चेंज आप कर सकते हो। अब दोस्तों टॉप में आपने देखा होगा कुछ इमोजी जैसा ऑप्शन बना हुआ है, इस ऑप्शन का नाम स्टेटस है। लेट्स टीम अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कोई भी फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप सीधे उसके ग्रुप में आ जाओगे। कैरी मीम पे क्लिक करोगे तो आपको रिक्वेस्ट शो होगी, आप यदि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो तभी आप उसके ग्रुप में जाओगे। नेक्स्ट घंटी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपको रिक्वेस्ट आई होंगी उसको आप देख सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, यदि आप किसी को रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो तो उसकी यूआईडी सर्च करके उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। अब दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, राइट टू टीम पे यदि आप क्लिक करते हो तो अपने फ्रेंड को आप एसएमएस या कुछ कर सकते हो जिससे वो आपको गेम में बुला सकते हो। सेकंड ऑप्शन का नाम लोकल टीम है, जिस पे आप क्लिक करके अपना टीम कोड बना सकते हो, किसी दूसरे की टीम में ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड टीममेट्स की। इस ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करते हो तो आप किसी भी रैंडम टीममेट्स के ग्रुप में जा सकते हो। इसे नीचे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा, यहाँ भी आप किसी को भी इनवाइट करके उसके साथ खेल सकते हो। इससे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये तो चलो इवेंट चला हुआ है, वो इंटरफेस है। लेफ्ट साइड बॉटम में यदि आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको मैप्स वगैरह शो हो जाएंगे, जहाँ पे आपको रैंक्ड, अनरैंक्ड, मतलब क्लासिक मैच, यहाँ पे क्लिक करके आपको सोलो, डियो, स्क्वाड जिसमें भी खेलना है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। और इसमें टीपीपी और एपीपी का मतलब जिस तरह से फ्री फायर में बीआर रैंक और सीएस रैंक, मतलब इनमें अलग अलग रैंक स्कोर होता है। बाकी दोस्तों सिंपली आप ऊपर क्लिक करके ट्रेनिंग ग्राउंड या रूम्स वगैरह भी खेल सकते हो। अब बात करते हैं राइट साइड, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन स्टार का है, यहाँ से आप यूसी वगैरह बाय कर सकते हो। नेक्स्ट भी यूसी वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप यूसी बाय करने हैं तो आप कर सकते हो। आरपी में बीजीएमआई का मतलब होता है रॉयल पास, और ये हर मंथ नया नया रॉयल पास आता रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्रेट वगैरह बाय करने हैं, कौन कौन से इवेंट चले हैं, कौन कौन से रक लॉयर हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। राइट साइड टॉप में आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं सारे आपको यूसी से बाय करने हो या किसी चीज को रिडीम वगैरह करना हो या आपको उसी के ऑप्शन है, चीज को आपको गिफ्ट वगैरह करना है अपने टीममेट्स को तो यहाँ से आप कर सकते हो। राइट साइड सेंटर में आपको बार चैट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आप एड देख के कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, आपको फ्री में कुछ ना कुछ आइटम्स मिलेंगी। इससे नीचे दोस्तों आपको जो टीम अप वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको पब्लिक चैनल कहते हैं, वर्ड चैट भी आप बोल सकते हो। और ये अलग अलग लैंग्वेज जैसे उड़ीसा, तेलुगु, कनाडा, बंगाली, गुजराती आदि के अलग अलग चैनल होते हैं। नेक्स्ट इमोजी वाले ऑप्शन पे आप कुछ इमोट्स वगैरह करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट स्क्रीन जैसा जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी कलेक्शन सेट कर सकते हो, कौन सा चश्मा, बेल्ट, पैंट, जो भी आपको पहननी है यहाँ से आप पहन सकते हो।
मतलब सिंपली आपको अपनी कलेक्शन यहाँ पे दिख जाएगी। अब राइट साइड बॉटम में आपको सबसे पहले जो सीजन चला होगा वो दिख जाएगा। अभी साइकिल 6 और सीजन 18 चला हुआ है। इस सीजन में जो भी रिवार्ड्स हैं वो आपको शो होंगे और जो भी रैंक के आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन वर्कशॉप का है, जहाँ पे आप करेक्टर व्हीकल्स एक्स सूट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिशन है, जहाँ पे आपको डेली मिशन दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इन्वेंटरी का है, जहाँ पे आपको अपनी गन कलेक्शन दिख जाएगी और साथ में आप आउटफिट मतलब कपड़ा कलेक्शन भी देख सकते हो। दोस्तों बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो कि एक एरो जैसा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मेल का है, गेम में जो भी रिवॉर्ड आपको मेल की तरफ से आते हैं, मैसेज वगैरह आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग का है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगला ऑप्शन है क्लेन, जहाँ पे आप जाके अपने क्लेन के मेंबर्स को चेक कर सकते हो। न्यू क्लेन में आपको ज्वाइन होना है, ये क्लेन को लीव करना है, तो आप यहाँ से लीव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन रैंक है, आपका कितना रैंक है पूरे सर्वर में, हाईएस्ट रैंक किसका है, सारे प्लेयर्स आपको शो हो जाएंगे। रीजन वाले ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करोगे, जिस भी स्टेट से हो, जिस भी आप राज्य से हो, वहाँ के हाईएस्ट प्लेयर का रैंक कितना है, विन रेट कितना है, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेकंड लास्ट ऑप्शन मैचेस का है, जहाँ पे यदि फ्यूचर में टूर्नामेंट मैचेस वगैरह होते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन दोस्तों रिपोर्ट का है, जहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है तो आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो।